शांति बनाए रखनी है। हमने पुलिस से नहीं टकराना, हमने नेताओं से नहीं टकराना, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, मान जाए सरकार, मान जाए छोड़ दे उनको, कहीं ये ना हो हमें उंगल टेढ़ी करनी पड़े, प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। अगर ये बीजेपी वाले नेता, अगर ये जेजेपी वाले नेता ये कहीं हमारे गांव में घुस जाए, ये कहीं पे रैली कर ले, इनकी तसल्ली जरूर बढ़ा ले। और एक तन पर सूत के तार नहीं, इसीलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। सम्मानित मंच, कल्याण खान चरणसी के अध्यक्ष जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, माननीय श्री भूप सिंह जी, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य के बाद सारी कल्याण खान, सभी मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारे बच्चों, हमारी माताएं बहने बैठी है, हमारे मीडिया वाले भाई साथियों, ये आंदोलन आजादी की, आर्थिक आजादी की दूसरी लड़ाई है। केवल कानूनों का आंदोलन नहीं है, केवल तीन अच्छे देशों का, तीन काले कानूनों का आंदोलन नहीं है। सवाल है जिस देश को आपने आजाद करवाया, सोने की चिड़िया था वो देश, हजारों कुर्बानियां दी आपके परिवारों ने, ये आरएसएस वाले है ना, ये तो इस आजादी के भी निमित्त थे, इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, जो आज राज कर रहे हैं। इन्होंने तो महात्मा गांधी को गोली मारी थी, देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा इनका। इन्होंने 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, आज ये बढ़ते ठेकेदार ने उसके हाथ में हमें धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, आप में हमें जाति के नाम पे लड़वाते हैं, हरियाणा पंजाब के नाम पे लड़वाते हैं। अरे ऐसे देश क्या, हमारी लड़ाई तो आर्थिक आजादी की लड़ाई है। आज एक आदमी की आमदन एक घंटे की 90 करोड़ और दूसरे आदमी की आमदन एक घंटे की 9 रुपए नहीं है, लड़ाई तो ये है। आज भुखमरी है देश के अंदर, पिछले 20 साल में 3.5 लाख किसान कर्जे से दबके मर गए, एक एक लाख के कर्जे में, 2-2 लाख के कर्जे में, कोई 20,000 करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति मरा होता तो, कोई 20,000 करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति जेल में गया होता तो, नहीं गया। अरे देश किसका है, ये पानी और अडानी के लिए आजाद कराया था देश को, अरे देश आप लोगों का है, ये देश किसानों और मजदूरों का है, ये देश पूंजीपतियों का देश नहीं है। आज एक परिवार की आमदन इतनी है जितना सारे देश के किसानों पे खर्चा है, एक साल की आमदन उतनी है। साथियों कहां खड़े हैं हम न्यूनतम भाव मांग रहे हैं, कम से कम भाव। अरे आज आंकड़ा बता रहा है देश का कि जितना कम से कम मिलना चाहिए वो 17 लाख करोड़ मिलता है, मतलब तीन फसलों का, हमें मिल रहा है 13 से 14 लाख करोड़, यानी 3 से 4 लाख करोड़ हर साल हम घाटे में जा रहे हैं, कम से कम मिल रहा है वो मांग रहे हैं। रोज बयान देते हैं लोग, हमने मीटिंग के अंदर साथी से सवाल किया था कि क्या आप 23 फसलें खरीदने के लिए तैयार हो, उनका जवाब है नहीं खरीद सकते। रोज बयान देते हैं, लोकसभा में बयान देते हैं, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। हम कहते हैं मोदी झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा, गुमराह करता है देश को, कहता है एक कॉल की दूरी पे है बस फैसला हो जाएगा। हम कहते हैं मोदी जी वो कॉल की दूरी कब पूरी होगी पता नहीं, या तो तू बात के लिए बुला ले वरना हम बात के लिए चल देंगे। और फिर मत कहना कि किसान दिल्ली में घुस गया है, कभी हमें यह फैसला लेना पड़े कि मोदी जी आ रहे हैं बात करने के लिए आपकी कोठी पे, देश का किसान आ रहा है आपकी कोठी पे। साथियों आज
जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं। अमीर बनने की कोई लड़ाई नहीं, अमीर तो हम बन ही नहीं सकते साथियों, लेकिन हमने शांति बनाए रखनी है। हमने पुलिस से नहीं टकराना, हमने नेताओं से नहीं टकराना, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अगर ये बीजेपी वाले नेता, अगर ये जेजेपी वाले नेता ये कहीं हमारे गांव में घुस जाए, ये कहीं पे रैली कर ले, इनकी तसल्ली जरूर उठा ले। साथियों, हम क्या कह रहे थे, दिल्ली में रैली करेंगे, नहीं जाने दिए ना, लठ मारेगा, डंडे मारेगा, पानी मारेगा, गैस मारी ना। अरे 30-35 मुकदमे दर्ज कर दिए अब तक हमारे ऊपर, 30-35 मुकदमे, 307 के इरादा कत्ल के, एक केस में 7 साल से 10 साल तक सजा है। हमारे पास तो 5 जन भी नहीं कटेगी। हमारे भाई ने दोष पकड़ के, कोई नरेला से पकड़ा, कोई कहीं से पकड़ा, जेलों में बंद है। मान जाए सरकार, मान जाए, छोड़ दे उनको, कहीं ये ना हो हमें उंगल टेढ़ी करनी पड़े, प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। लवारिस नहीं है वो। साथियों, आज जिस तरीके से सरकार चल रही है ना, हठधर्मी पे, राजहट पे, ये ना तो देश के लिए अच्छा होता है और ना समाज के लिए अच्छा होता है, ना राजा के लिए अच्छा होता है, ना जनता के लिए अच्छा होता है। साथियों, जो अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव जैसे इनकी गोदी में बैठे हैं, उनके समाज का बहिष्कार करना, उनका मत खरीदना, चाहे काले चोर का कर ले। साथियों, मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है पीछे बोलने वाला बहुत ज्यादा है, और धन्यवाद करना चाहूंगा दलाल खाप का, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया। एक बेनती दलाल खाप से और करना चाहूंगा, ये दलाल खाप बहुत बड़ी खाप है, अग्रणी खाप है, और जो टीकरी के अंदर प्रोग्राम है, जो टीकरी के अंदर धरना चल रहा है, वो इसके चौगिर्द है, तो ये यहाँ का जो है, यहाँ पे ज्यादा लोग रखे, यहाँ पे ज्यादा ध्यान रखे, क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं, जो नजदीकी होते हैं, वो ज्यादा काम कर सकते हैं, वो ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखे, ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखे, क्योंकि आफत किसी वक्त भी आ सकती है। 3 बार हमला कर चुके हैं बीजेपी के गुंडे, ये ऐसे सरकार नहीं चला करती, पहली बार देख रहे हैं हम। अगर लठ मरवाने हैं पुलिस से मरवाए ना, बीजेपी के गुंडे भेजते हैं और जा रहे हैं, हमें अपने लड़के बेटे मुश्किल हो जाते हैं, ये जा रहे हैं, 2-4 मर जाए और आंदोलन का रूप बदल जाए। साथियों, ये आंदोलन हताशा से आप में इस बात की हो के कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ बहुत तेजी नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली के सारे लोग पंजाब है, ये छोटा आंदोलन नहीं है, आज पूरे देश के अंदर फैल रहा है। आज हरियाणा के अंदर जो जागृति है वो पहले से 4 गुना ज्यादा है, और जब हरियाणा वाले लोग जागते हैं ना, ये जागते बड़ी मुश्किल से है, आसानी से नहीं जागते, लेकिन जब ये जाग जाते हैं ना, तो फिर उनको सुनाना उससे भी मुश्किल है, फिर ये 8-5 घंटे। आज हरियाणा जाग गया है, आज हरियाणा का बच्चा बच्चा जाग गया है, हमारी माताएं बहनें आंदोलन में आ रही है, तो ये आंदोलन बिल्कुल पार लगाना है। आंदोलन तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। आपने हमें टाइम दिया, आपने हमारी बात सुनी, उम्मीद करूंगा आपने हरियाणा के भाइयों से, मेरे को पगड़ी देख के पंजाब का मत मान लो यार, मैं हरियाणा का युवा।